Any introduction from your side is needed, or yes. It's already over? No. We'll start. We'll introduce you, and we will introduce the idea also. Yeah. So after that, we'll invite you to share your thoughts. That's okay. So, आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जैसा कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे इस विषय को देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट नीड ऑफ द आवर स्पिरिचुअल रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स। सर, अभी मैं आपका माइक ऑफ कर रहा हूँ जरा, क्योंकि वो उसका शोर आ रहा है। वर्तमान कालिक आवश्यकता क्या है समाज की, विश्व की और संपूर्ण मनुष्यता की? वो है आध्यात्मिक संसाधन विकास सूचकांक। सबसे पहली बात, हमें ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल शब्द जब आप इस्तेमाल करते हैं और उसके उसका अनुवाद अध्यात्म करते हैं, तो वो पूरी तरह से वो अनुवाद नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ अध्यात्म शब्द का वो अर्थ नहीं है जिस अर्थ में स्पिरिट शब्द को वेस्ट में यूज किया गया, ग्रीक्स में यूज किया गया, ग्रीक ट्रेडिशन में और वेस्ट की ट्रेडिशन में। वो कई उसके शेड्स रहे हैं। वो स्पिरिट जो है वो माइंड से लेकर के और बहुत सारे रूपों में रही है, जिसके बारे में हमने लास्ट टू लास्ट टाइम चर्चा की भी थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम अभी अपना विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए इन दोनों शब्दों को एक समान स्तर पे स्वीकार करके चलते हैं। लेकिन इस बात को हम अपने मन के पीछे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि स्पिरिट शब्द जो है वो कभी साइकी के अर्थ में प्रयोग हुआ, कभी सोल के अर्थ में प्रयोग हुआ है, कभी होली घोस्ट के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अध्यात्म उस तरह से शब्द हमारे यहाँ पे नहीं रहा। अब जब इस सारे विषय को हम देखने लगते हैं कि आध्यात्मिक संसाधन विकास सूचकांक ये क्या है और इसका स्वरूप क्या है, तो इस सारे को समझने के लिए हम यहाँ से सीधी सीधी बात शुरू करते हैं अपनी परंपरा से, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी ये रहता है कि हम अपनी परंपरा के आधार पे, अपनी भारतीयता के आधार पे इन सारे विषयों को समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जो शब्द आपको ध्यान में आता है कि आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने के लिए, वो आपके सामने विद्या और अविद्या, ये दो शब्द आते हैं। बहुत वर्ष हो गए, हम सभी इन शब्दों से बहुत परिचित हैं, और कई बार लगता है कि अति परिचय होने के कारण हमें अर्थ पता है, हम जानते हैं और हमें इन शब्दों का अर्थ का अनुभव भी है। लेकिन जैसे ही आप उसको किसी के साथ उस विषय पे विचार साझा करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि आपके विचार शब्द के न स्तर के अनुकूल हैं, न उसके आयामों को वो आप जो है वो स्पर्श कर पाते हैं। तो अगर आप देखें कि जिस तरह का ट्रांसलेशन नीचे मैंने किया है या मुझे उपलब्ध हुआ है, तो उसमें अविद्या को और विद्या को मैंने मटेरियल साइंसेस और स्पिरिचुअल साइंसेस में ट्रांसलेट कर दिया, जो कि अपर्याप्त है। ये पक्ष हो सकता है विद्या और अविद्या का, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, और फिर उसके साथ ही अविद्या मृत्युम तीर्त्वा अमृतम अश्नुते, कि अविद्या से मृत्यु को पार करके अमृत को प्राप्त कर लेता है। इस तरह के जब विरोधी वाक्यों को आप मिलाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत तपस्या, आपको बहुत अधिक समझ, बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता और गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि ये इस तरह के विरोधी वाक्यों में सामंजस्य कैसे बिठाना है। हालांकि बौद्धिक रूप से हम सभी करते हैं, क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं तो कर देते हैं, लेकिन अनुभव के स्तर पर ये बात इतनी आसान नहीं है। अब यहां से चलते हुए आप सीधा जब गीता की ओर आते हैं उपनिषदों से, तो वहां पर जो अर्जुन का प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आठवें अध्याय का पहला, किम अध्यात्मम, कि अध्यात्म है क्या? और इस अध्यात्म का जो उत्तर दे रहे हैं, उत्तर भी नहीं है, उस प्रश्न का जो एक्सप्लोरेशन है एक तरह का, मुझे ये लगता है कि गीता में उत्तर की बजाय उन्होंने प्रश्न का ऐसा स्पष्टीकरण किया है कि वो उत्तर के रूप में ही हमें प्रतीत होते हैं। तो वहां पर भगवान का, श्री कृष्ण का ये उत्तर है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अब आप ये देखिए, जब आप स्वभाव को अध्यात्म कह रहे हैं, तो स्वभाव शब्द एक नया शब्द आ जाता है जिसको समझना उतना आसान नहीं है जैसे कि अध्यात्म शब्द को समझना आसान नहीं है।
तो हालांकि अपने भाव को, अपने अस्तित्व को, अपने होने को आप कैसे समझते हैं, ये एक अपने आप में हम सभी के लिए चुनौती है। लेकिन अंग्रेजी में यहाँ पे हम समझ लें कि वंस ओन सेल्फ इज कॉल्ड अध्यात्म। तो ये एक तरह की हमारी पृष्ठभूमि है इस स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल रिसोर्सेस को जानने के लिए। लेकिन ये कौन से हैं और क्या इसके बारे में समझ है सामान्य समाज में, उसको एक बार देख लेते हैं और फिर एक दो बातें मैं करके आपका परिचय आज के मुख्य वक्ता से करूंगा। देखिए, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर जो एक भ्रम फैला हुआ है या स्पिरिचुअलिटी को लेकर के जिस तरह की समझ है, भ्रम या समझ कह लीजिए या एक विश्वास बिलीफ सिस्टम कह लीजिए, वो क्या है कि पॉजिटिविटी हेल्थ और वेल्थ वेलबींग के लिए, गुड फॉर्चून के लिए आप स्पिरिचुअल स्पिरिट्स को यूज करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज को यूज करना चाहते हैं, इस तरह का एक हम सभी का व्यवहार रहता है। अब इसमें आप ये देख रहे हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा समय को ध्यान रखते हुए, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ईविल आई, फ्लावर ऑफ, ये सारे सिंबल्स हैं, यिन यांग आदि, और ये ओंकार और जो बुद्धिज्म के कई सिंबल्स हैं, दुनिया भर में स्पिरिचुअलिटी को के बीज हर जगह देखने को मिलते हैं और सिंबलिज्म के रूप में हम सामान्य व्यक्ति इसी रूप में इसको देखते हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और ये हमारी किसी समस्या का समाधान करता नहीं है, लेकिन हम एक विश्वास जरूर मिलता है, सकारात्मक विश्वास मिलता है, तो हम इनको मानते आ रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी को लेकर के जो, क्योंकि मैंने कहा था कि ये विषय ऐसा नहीं विचार किया था कि ये इस तरह से विकसित होगा, तो आप ये देखिए कि अगर हम इस स्पिरिचुअलिटी के को ध्यान में रखते हुए अपना अगर मूल्यांकन करना चाहें कि मैं स्पिरिचुअल कितना हूँ, स्पिरिचुअल होने के योग्य भी हूँ कि नहीं हूँ या कितना योग्य हूँ, तो आप यहाँ पे देखें कि एज ए डूअर, एज ए एंजॉयर एंड एज ए नोअर, आप अपने आप का मूल्यांकन करें, अपने कर्ता के रूप में, भोक्ता के रूप में और ज्ञाता के रूप में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, ताकि आपको अनुमान हो कि आप स्पिरिचुअलिटी के कितने योग्य हैं भी हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो कैसे हैं। और बड़ा सरल है, बाकी चीज़ों को आप यहाँ देख लीजिए, ये इसकी लिमिटेशंस हैं कि आपकी लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, लिमिटेशन ऑफ क्रिएटिविटी और लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, इन सब के साथ, और आप साथ अपने लेकर के क्या पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे होते हैं। अब इसके बीच में आप क्या करते हैं, इसका बहुत सरल सा तरीका है, अपनी भाषा का मूल्यांकन करते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपकी स्पिरिचुअल भाषा कैसी है, भाषा का स्तर क्या है, आपके एक्शंस का स्तर क्या है, यदि स्पिरिचुअल है आपकी फ्रीडम का लेवल क्या है, आपके धर्म ड्यूटी जो है उस अर्थ में, आपके रिलेशनशिप्स का क्या स्तर है, आपके वैचारिकता का स्तर क्या है, आपके इमोशंस का स्तर क्या है, और आपके नॉलेज का स्तर क्या है, कैसे देखते हैं आप 1 to 16 के स्केल पर आप इसको मूल्यांकित करते हैं, यानी कि 1 to 16 के स्केल पर आप अपनी स्वतंत्रता को टिक कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, एक पॉइंट दे दिया, और इसी तरह से अपने कर्मों को आप पॉइंट दे दीजिए, इसी तरह अपनी लैंग्वेज को कि आप 1 to 16 के स्केल पे आपका लैंग्वेज पे कितना कमांड है, आपकी लैंग्वेज कितनी स्पिरिचुअल है। और फिर उसके बाद जब आप इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, जैसे ये मैंने मिला रखे हैं, तो इससे आपका रिजल्ट आ जाता है बड़ा सिंपल कि आप कितने स्पिरिचुअल होने के योग्य हैं। यानी कि ये जो अंदर का पार्ट है, इनर पार्ट है, ये सारा का सारा, इतने तो आप स्पिरिचुअलिटी के योग्य हैं और इतना आप स्पिरिचुअलिटी के योग्य नहीं है, यानी कि आप इस अध्यात्म के मार्ग पे आपको इतना विकास करना आपका अपेक्षित है। तो ये इंडेक्सिंग को लेकर के जब मेरे मन में विचार चल रहा था, और डॉक्टर साहब की जो पुस्तक है जिससे मैं परिचय कराऊंगा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे सामने ये बातें आई। तो इतना आप विकास करेंगे, इतना अभी तक आप विकसित हैं, ये एक, ये पार्ट वन है इस टेस्ट का। हालांकि जो आप लोगों को नोट शेयर किया गया था उसमें भी एक टेस्ट दिया हुआ है जिसकी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये उसके अतिरिक्त एक टेस्ट है, और इसका सेकंड पार्ट देखिए बड़ा सरल है, वो भी बिल्कुल इसी तरह 1 to 16 के स्केल पर है, और इसमें आप अपने काम्य कर्म, ये सारे के सारे शास्त्रीय हैं, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, ये सारे बुद्धि शुद्धि चित्त एकाग्र और नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये कितने परसेंट आपके पास है 1 to 16 के स्केल पे, उसके आधार पर आप कितने आध्यात्मिक हैं ये आप अनुमान कर सकते हैं।
यानी कि अगर आप 1 टू 16 के स्केल पे 1 से 5 पर हैं, ठीक है, या 1 से 4 पर हैं, या 1 से 10 पर हैं, किसी पे भी हैं, उनको जब आप मिला देते हैं तो उसी तरह से ये अंदर का भाग आप अभी इतने आध्यात्मिक हैं और इतना आध्यात्मिक होने की आपको अभी आवश्यकता है। ये टेस्ट खुद करके देख सकते हैं, अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं, और काम्य कर्म से लेकर के और ये शांत तक चला जाता है। इतने सारे पार्ट्स हैं और इनके अभी सब डिविजन्स भी हम विकसित करेंगे जब आगे मीटिंग्स करेंगे। और ये सारा का सारा आप सभी जानते हैं, जो संस्कृत के पक्ष से लोग हैं वो जानते हैं कि ये वेदांत सार का जहां पर अनुबंध चतुष्टय है वहां पे अधिकारी शब्द जब आता है तो ये वहां से लिए हुए सारे के सारे टेस्ट हैं। ये प्रश्न थे, इन प्रश्नों को केवल मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ बाकी सब आप पढ़ करके आए हैं अच्छे से। इस सारे जो विषय है कि व्हाट इज स्पिरिचुअल रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या है, ये हमारा पहला प्रश्न है। सेकंड प्रश्न जो है, व्हाट आर द मेन इश्यूज ह्यूमैनिटी इज फेसिंग वेयर SRDI कैन बी हेल्पफुल, कि कहाँ पर ये सहायता प्रदान करेगा। व्हाई वी नीड SRDI, और उसमें आप सभी ने पढ़ा होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट से लेकर के ग्लोबल यूनिटी और पीस, यानी कि सब कुछ कवर ये करता है। और उसके बाद ये जो टेस्ट था, ये इसको अभी हमें और अधिक डेवलप करना पड़ेगा और इसको रिफाइन करने की अभी ज़रूरत है। मैं इसको 1 to 16 के स्केल पे ही रखना चाहता हूँ, तो उसको अभी हम देखेंगे जब आगे मीटिंग्स करेंगे, आज की बात सुन करके समझ करके। तो उसमें धर्म, योग, मेडिटेशन, भक्ति आदि के सबके पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसके आधार पर हम डाटा जनरेट कर सकते हैं, और उसको जब आप एवेल्युएट कर लेंगे तो उसके ये इंटरप्रिटेशन है कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो इतना आप जो हैं आप स्पिरिचुअल स्तर पर हैं। 120 to 150 के रेशो में के मार्क्स की रेंज में अगर आप हैं तो हाईली स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, और अगर लेस देन 59 हैं तो आप जो है वो बहुत लोअर लेवल पर स्पिरिचुअल हैं। तो ये एक टेस्ट था जिसपे हम चर्चा जो है वो धीरे धीरे आगे चल करके लेंगे। इसके अलावा हाउ दिस SRDI विल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आजकल सारा का सारा फोकस इन्हीं चीजों के ऊपर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर। तो इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जो मुख्य वक्ता उपस्थित हैं, आचार्य डॉक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा जी, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आप सबकी ओर से भी और हमारे साथ जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं। दो विषयों में वो PhD हैं, इंग्लिश और संस्कृत, और इंग्लिश के तो वो प्रोफेसर रहे हैं, और उसके साथ साथ मल्टी लिंग्विस्ट हैं, और ये बड़े आश्चर्य की बात है 9 भाषाओं के ऊपर उनका अधिकार है। हम तो 2-3 भाषाएं बोल करके ही हमें लगता है कि हमें दुनिया की समझ में आ गई, और यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्तित्व है जिनको 9 भाषाओं के ऊपर अधिकार उपलब्ध है। इसके अलावा ही इज अ फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ फाउंडेशन फॉर इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज ट्रस्ट मैंगलोर, और इसके मैंने जब वो देख रहा था, नेट के ऊपर खोज रहा था, तो जिस तरह का कार्य इस संस्थान में हो रहा है, इस फाउंडेशन में, वो अपने आप में अद्भुत है। इसके अलावा वो एडजंक्ट प्रोफेसर भी रहे हैं इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट मैंगलोर में, और इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, ये तो मैं आपको बता ही दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई कमेंट्रीज मलयालम में लिखी हैं जो अभी अनपब्लिश्ड हैं, और उसके अतिरिक्त और बहुत सारा काम इन्होंने किया है संस्कृत, मलयालम और इन सारे विषयों को मिला करके। और इसके अलावा जो बहुत जानने वाली बात है, समझने वाली बात है और सचमुच प्रशंसा की बात है कि 14 वर्ष उन्होंने हिमालय में व्यतीत किए हैं, और उसके अतिरिक्त वेदांत, योग और संस्कृत के अन्य शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन हिज होली हाइनेस जो है स्वामी दयानंद जो हैं उनके अधीन, उन्होंने उनके अधिकार में आकर के इन सब वेद विद्याओं को उन्होंने ग्रहण किया है, और उसी के आधार पर ये स्पिरिचुअल रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इसको उन्होंने कॉन्सेप्ट विकसित किया है जिसकी वो चर्चा अभी करेंगे। डॉक्टर साहब की एक पुस्तक जिसका विमोचन के श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ, जिसका नाम ही नीड ऑफ द आर स्पिरिचुअल रिसोर्स डेवलपमेंट पुस्तक का नाम है,
और इसमें इन्होंने विभिन्न विषयों को लिया है, सारे इसके जितने भी आयाम हो सकते हैं, डायमेंशंस हैं, उन सब के ऊपर उन्होंने चर्चा की है। और विशेष रूप से उन्होंने वेद, योग और तंत्र संस्कृत के आधार पर, संस्कृत उसमें मुख्य है, और उसके आधार पर उन्होंने इस सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, जिसके आधार पर ये सारे की सारी चर्चा मैंने आप लोगों से की है। मैंने तो केवल इसमें इंडेक्स शब्द को जरूर एडअप किया है, लेकिन बाकी तीन शब्द उनके ही देन है, तो इसलिए मैं उनके इस कंट्रीब्यूशन को स्वीकार करता हूँ, हृदय से उसके प्रति मैं कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ। जो फाउंडेशन में है, आप देखिए किस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, जिन प्रयोगों को आपने कभी देखा भी नहीं होगा, इस चित्र को ही केवल आप ध्यान पूर्वक देखिए। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये धनुर्वेद यज्ञम, क्योंकि साउथ में यज्ञम और इस तरह के शब्द जो है वो उसमें लगता ही अनुस्वार और ये लगते हैं, तो ये धनुर्वेद यज्ञ जो मैंने भी कभी नहीं सुना था, और उसकी एक परफॉर्मेंस और उसका एक प्रयोग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसके डिजाइन बनाने, ये सारे कार्य और इनके जो एक्सपेरिमेंटेशन है और उनके जो प्रभाव हैं, उन सबको वहाँ पे देखा जाता है, उनका विकास किया जाता है, और उनको जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है उसके साथ उसको रिलेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें जो हैं, इन सब बातों, इन सब अनुभवों के साथ, इन सब ज्ञान के साथ, वो आज के इस विषय पर वो हमारे साथ चर्चा करेंगे कि ये स्पिरिचुअल रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये क्या है, और इसकी इंडेक्सिंग करने का तरीका हमारे पास क्या है, और बहुत सारे विषय इसमें से मेरे से रह गए हैं निश्चित रूप से, तो डॉक्टर साहब उनके ऊपर लगभग अगले 35-40 मिनट तक इस सारे विषय के ऊपर बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम प्रश्नोत्तर, जैसे कि हमारी परंपरा है, उस तरह से हम उनके साथ बातचीत करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, और जो भी हमारे ज्ञानवर्धन होगा उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। तो 35-40 मिनट के लिए उनकी चर्चा रहेगी, तो मैं उनको हार्दिक उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि वो अपनी चर्चा हमारे साथ आरंभ करें। डॉक्टर एस रामकृष्ण शर्मा जी, सर प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर। वंदे गुरुपतद्वंद्वं अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रं अदृक्यं त्रिपुरं महः। सह नावतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आई हैव ओपन्ड अप विथ टू चैंटिंग्स। वन इज अ श्लोका फ्रॉम वन ऑफ द textbooks of Shastras, and the other is Shantipad Mantra of the Vedas, one of the Vedas. Now, the reason being this invocation, I would like to mention in one or two minutes, that is, let me take the second one. The second one, Sahana Vavatu, Sahano Bhunaktu, often it is heard being chanted during lunchtime or dinner time because of the word Bhunaktu, eating. Bhunaktu does not simply mean eating. It is actually the chanting done by the teacher and the students before the commencement of the session of teaching. So here, Saha Nau Bhunaktu, let us together consume, let us together assimilate, consume in the sense assimilate the knowledge that is being communicated through and from the Vedas. Saha Nau Bhunaktu. And saha viryam karavavahi, let us become energetic, let us get empowered by the knowledge that is being communicated. And then most important thing is ma vidvishavahi, let us not, vidvesha is usually translated as hating, but here it is not merely hate, let us not hate each other, let us not find faults so that we will get a context to hate. This is a very limited meaning. The deeper meaning is that let us not get confused. What is being communicated, let there be clarity and let us seek clarity. If the students have got any doubts regarding what is being communicated, they should open up, openly discuss and ask questions.
there is the freedom to ask questions and make use of that freedom properly the right way, so that Tejasvi now, meaning both of us, both the teacher and the students, Tejasvi Adhitamstu, whatever we assimilate through the learning and teaching, let us become Tejasvi. Now, this is, in fact, the spiritual dimension. Our presence will have a dimension that will be felt by others, which is called Tejas. And there is also another word in the Shastra, Varchas, that is on the face. The luster on the face and the presence emanating divinity, that Tejas, let us enjoy to have that and increase its depth through the process of learning, which is in fact sadhana. Now I have used the word sadhana. As Ashutosh ji has been delineating the spiritual resource development indexing, various aspects of it, and in detail he has done it. And I have gone through what he had shared with me earlier, this content that you have been seeing on the screen. Really, a very applaudable work that has been done by him. And this is going to be very useful for my second volume, I would say, with gratitude. I will mention that Ashutosh has provided this indexing, the concept of indexing and how it is to be done, etc. Now, the word which I said, Tejas, and that is the Varchas, this aspect is, in fact, I would like to focus, and that comes by sadhana. So sadhana is very, very significant, and this sadhana has got various aspects based on different shastras. Yoga shastras will mention one aspect of sadhana, Vedanta will mention another aspect of sadhana, like that. Which sadhana is meant for whom is decided by the guru to whom one has surrendered. So it is not by referring to a book or referring to a talk that we can implement sadhana in our personal life. It all depends upon what has to be taken care of at the present level of our development or the present level of our refinement. So therefore, I would like to focus on the aspect of sadhana today, so that the spiritual resource, what it is and how it has to be developed, will become clear and evident. It has been my experience, because experience is very, very important and significant, because experience is the final evidence of knowing. Knowledge as information. We have the word vidya. Vidya and jnanam, this has got three levels or three dimensions. First level is knowledge as information, vidya. And then comes knowledge as awareness, where it is deeper than information. I'm aware of it. I say, I know it. For example, if I say, I know it, it means I have information. But when I say I'm aware of it, that awareness is a deeper dimension. So first level is knowledge as information. Second level is knowledge as awareness. The third level is the actual part of sadhana, and that is application. Knowledge as application. So how do I apply this knowledge of spiritual resource? So the question comes, what is this resource? What is the resource? In the entire gamut of Veda mantras, here I would like to clarify, Vedas are not books. Even though Max Muller had tried to put it as the sacred books of the East, and he has created volumes and volumes, and mostly he has incorporated his personal ideas, so that what he wanted to actually do, which he wanted to make that people will not rightly understand what the Vedas are, they will be given wrong understanding. So to say the Vedas are books itself is wrong understanding, because Sayanacharya, about 300 years ago, Sayanacharya has mentioned that Vedo Nama, he defines in his Bhashya, Veda Bhashya, he defines Vedo Nama Ananta Shabda Rashihi. So it is not books. Vedo Nama, a series of Ananta Shabda Rashi, a series of unending sequence of sounds. Why it is unending? Because Ananta Vai Veda, Vedas are endless. Hey, this is not a metaphoric statement, because the entire Srishti, entire creation,
it has manifested from the Vedas. Veda Purusha has brought out what was within him in the form of the cosmos, the entire universe, the cosmos, the world. Each word has got its own level of meaning, right? World, universe, cosmos. The most vast dimension is cosmos. So the entire cosmos is Veda Purusha himself, and every object in the cosmos has got a vibration, which is in fact essentially the core vibration is Vedic. So that is why Patanjali says, Tasya Vachakaha Pranavaha. Pranavaha is the Vachakaha. So that which is the source of the entire cosmos, the cause of the entire cosmos, is indicated by the sound called pranava. And Tasya Vachaka Pranavaha. This particular mantra of Patanjali, Tasya Vachaka Pranavaha, it cannot be understood with the help of a dictionary. It has to be experienced through, in and through sadhana. So that nadanusandhana, nadavidya, in the yoga practices, what is known as nadanusandhana, nadavidya, this is very, very deep and exclusive sadhana, to reach which one has to go through various levels of purifications, refinements. So this purification, deha shuddhi, vak shuddhi, and chitta shuddhi, there are various levels of shuddhis. In fact, the shuddhi has to be entered into our index, the level of shuddhi. And what are the criteria with which we can measure, if it is possible to measure, shuddhi, deha shuddhi, sthala shuddhi, and vak shuddhi. Vak shuddhi is in fact pronunciation. How do you pronounce a word? There is no question of South Indian way of pronunciation and North Indian way of pronunciation. There is only one way of pronunciation, that is according to Panini Maharshi's Ashtadhyayi Mahavyakaran. So what the Vyakaran Shastra mentions, how to have the pronunciation, how a letter is emanating from the system. Letter, as the Maheshwara Sutras of Panini Maharshi and other sutras mention, there is what is known as Uchara Prayatna, the effort to bring out a letter through the mouth, Uchara. And this Uchara, pronunciation, articulation, has got very, very specific rules and laws which govern the pronunciation. Knowing this, only one can pronounce properly. For example, Shankara Sha, Shanmukha Sha, Saraswati Sa, Sha Sha Sa. Three letters are different. And these letters can sound similar when it is pronounced by a Westerner. He will not be able to pronounce it without training. I have tested with people who have met me. Just I give them a test telling that, well, I would like to know how you are able to pronounce these letters. So Shankara Sha, Shanmukha Sha, Saraswati Sa. So these are the difficult, what is known as Sthana Prayatna, the area within the mouth, articulation, how it happens. So point is Uchara Shuddhi. So when we have to take up a mantra sadhana, japa sadhana, it is very essential that the sadhaka, the performer, should know in what way the mantra is manifesting through the mouth. And unlike the saliva in the tongue, mantra is not a product of the mouth. It comes from a deeper level. That is why in the Veda mantras, there are very clear mentioning of different levels of the word that is being uttered. What you are hearing now, it is called Vaikari. It is Vaikari form of the word, Vaikari form of the letter. This is the grossest audible, socially audible, publicly audible word or letter pronounced is Vaikari. Before this, Chaturtham Vacho Manushya Vadanti, that is the part of the Veda mantra. The fourth part of the manifest word is uttered and listened to by human beings. Now, what are the other three levels? It takes practices, sadhana, yoga sadhana, to get to the deeper levels of the word, how it is originating. I'm talking about mantra sadhana specifically because it is very important to know the spiritual resource has very, very close connection to what I'm telling now. I'll come to that a little later. Now,
the mantra or the socially expressed words, there are differences. But vaikari is laukika vaikari, which is in our day-to-day transaction, whatever we speak, our mother tongue, any language, that is called vyavaharika vaikari, the social intercourse. But mantra doesn't belong to that category. It is a specific category, mantra, because mantras are not used for social intercourse. They have got deeper meanings and purposes defined by the rishis who have given out the mantras. So therefore, para, pashyanti, madhyama, vaikari, these are the four increasingly grosser levels of manifestation of word or akshara, letter. Articulate word manifests at the grossest level as vaikari, that is audible. Before that, there is a stage. Now, how to experience that? Para, pashyanti, madhyama, vaikari. Madhyama is the previous state of vaikari. Before the word is uttered, the word that is known to us in our, within our mind, within our system, I'm not talking, closing the mouth, I'm not talking, but I can listen to my talk. If I utter the words in my mind, I can listen to my talk. So this is madhyama. Before the uttered word manifests, it is in the form of madhyama. The Yoga Shastra gives the location of where the madhyama is, etc., etc. I don't have time to go into those details, but let me confine myself to para, pashyanti, madhyama, vaikari. So then, para is the subtlest form of word, which is not usually experienced by even advanced sadhaks. Advanced in the sense, those who have gone far with the yoga practices, even to them, it is difficult to come to the level of para, paravak. And para pashyanti. Pashyanti is a level which we experience in our, during our dreams. You know, dreams, we have pictures. In fact, the dreams happen where? It's not the outside world. It has got to be within. Within the sense, in the subtle body, in the sukshma sharira. So then, whatever we see as visuals in the dream, they all manifest in a medium, in a field, where we have pashyanti. Pashyanti means seeing. We see. So what we utter in the dream state, we can listen to our utterances, we can listen to the utterances of other people with whom we are interacting in the dream state. All that is pashyanti. The category of a word is called pashyanti. And pashyanti becomes madhyama, madhyama becomes vaikari. So a person who is in dream state, in dream state, whatever the person is experiencing is the level of pashyanti. Then comes madhyama, when one has woken up. Before one utters the word, when the word is manifest, I want a cup of tea, I want a cup of coffee, where is the towel? These questions, before we utter what we see within our mind, this is all madhyama. Before that, it is pashyanti, a deeper level, and much more deeper, at the very core, it is called para. This para walk, it can be realized only with the help of a practicing guru with whom we practice, and it takes a very deep direction and guidance to experience para. Now, coming to spiritual resource, in the entire gamut of Veda mantras, we have got only one word, one expression. The one expression from which I derived this concept of spiritual resource development while I was working for my PhD thesis in Sanskrit. That was in 2003-2007. I registered for a PhD in Sanskrit in Mangalore University, and my study was Tantra Vidya, select sutra textbooks on Tantra Vidya, written in 21st century. And during my work, I located this particular mantra, Te Dhyana Yoganugata Apashyan. This is from Shvetashvatara Upanishad. Te Dhyana Yoganugataha Apashyan Devatma Shaktim Svagunair Nigutham. So wonderful mantra, but I tell you, no commentator so far has done deeper analysis of this particular expression, Devatma Shakti.
It's a beautiful, beautiful compound word. You have got three words in that: Deva, Atma, and Shakti. Three words. Now, how to take the meaning of this? During my sadhana, I got the meaning during my dhyanam, because te dhyana yoga anugataha apashyan. The rishis say their ancestors, their rishis, through dhyana yoga, they saw. Te dhyana yoga anugataha apashyan. Apashyan, they saw. What? Devatma shaktim sva gunair nigudham. It is nigudham. It is mystic. It is intriguing. It is difficult to identify. Nigudham. It is so concealed. And Devatma Shaktim Swagunair Nigudham, which are the gunas of Devatma Shakti. It is Swaguna only. Only that knows what it is. Only that knows the infinite potentials that it has got. We call it as Sarvajnatva, all-knowing, and Sarveshwaratva, Sarashaktimatva, Sarvavyapakatva, whatever we say, that is regarding the all-pervasiveness of Ishvara, the cosmic cause. We have got Sanskrit terms for that. And in English, we have got omniscience, omnipresence, and omnipotence. So these are the swaguna of that. And what is that? Devatma Shakti. Now, let us see the beauty of this expression. Shakti is a common word for Deva Shakti and Atma Shakti. So, Deva Shakti with reference to the entire cosmos, the samashti, the totality, Deva Shakti. And Atma Shakti is with reference to a given individual living being. So, it is my Atma Shakti and it is his or her divine Deva Shakti. So, Deva Shakti is referring to the entire cosmos and Atma Shakti is referring to the microcosmic entity who is the Jiva, i.e. the living conscious being. So, this Deva Shakti and Atma Shakti, this is the Shakti which we are referring to by, say, spiritual resource. And this spiritual resource, how it can be tapped, whether it is possible to tap it that way. Because anything that is external, anything that is material, we can have control over, we can tap, etc., etc. So it is the right question, the right approach that is needed here. Atma Shakti, how? And Deva Shakti, how? How these are connected? Now, let us take an example of the ocean and the wave. The sea and the wave. The waves come, exist, play about, and then disappear. Where? Only in the ocean. And all waves are possible only in the ocean. Ocean is the totality. Call it Deva. And each wave that is manifesting is the Jiva. And the wave has got its power. It can dance, it can rise up, it can move. All that is possible. And that is actually the Shakti of the ocean only. So here we get the concept of individual and the total. Now, during sadhana, it is very, very important to note this point, because as long as I am a limited individual entity with a local history of my identity, I am a vyakti. A vyakti can never, never comprehend samashti, the totality. Because I am limited and confined to my knowledge of myself as an entity, as an individual, conscious being, all right, but then I have got a history. I am so-and-so, related to so-and-so. I am child of, son of so-and-so. I belong to this locality. I belong to this community. This historical reference about me keeps me as an entity, as a vyakti. Now, this vyakti has to undress oneself. I have to come out of all these identifications and come to the level of vyakti. Vyakti is just a being without the history. I am a conscious being. I don't have that history connected now. This is the approach to dhyana sadhana. I can enter dhyana sadhana only when I have successfully removed all the coverings that I have in terms of my identifications.
So not this, I keep on negating. This process of negating as an intellectual process can go on. It is endless, but that is not the way. There is a way. Dhyanam, I would like to mention here as the important sadhana for spiritual resource development, because dhyanam is not done. It is not meditation. I am doing meditation. It's wrong. Because any action we can say I am doing, but meditation is not an action. Example, sleeping. Can anybody say while sleeping, I am sleeping? Nobody can mention that I am sleeping. In present continuous statement, while sleeping, nobody can say that I am sleeping. So that means sleeping is not my conscious activity. It will be a contradiction to say I am sleeping. Because while sleeping, you are not doing anything. Sleeping is not an action. I am walking, I am waking, all this okay. But I am sleeping, sleep has to happen. Sleep has to come. Once sleep has come, I, the individual agent, is no more manifest. I have an experience of sleep, but I am the experiencer I am not conscious of. But I do have, after waking up, I say, I slept happily. That means ananda. Ananda ka anubhuti to hai hi. Lekin, nobody can mention this while sleeping. I am sleeping happily. Nobody can say that. So, like that, jhana is an avastha. Like sushupti is an avastha, jhana is an avastha. It has to happen. For that to happen, pujanam, japaha, chintanam, kramata, Ramana Maharshi mentions that pujanam is a way. Is a way to create a context and ambience, pujanam, so that we get related physically to an idol, to a pattern, to a form, and that will help us to focus and withdraw from the physical world to a subtler level, for which japa helps more. Japa has got a limited field because it is work, and doing the japa can be japa, loud japa, can be muttering, and it can be manasa japa. While coming to manasa japa, that is the way one can discover backward vaikari, how vaikari becomes vaikari from madhyama. It is possible through japa to comprehend that dimension. And from there, one can go back towards pashyanti. And from pashyanti, one can land on to para level. This para level, once one lands on there, that is called the turiya, the fourth one. Neither waking, nor dreaming, nor sleeping. It's a fourth state of experience. This is called turiya avastha. And nothing more about it now at present. I would like to come to the spiritual resource, as I was telling, Devatma Shakti. We have to invoke the Devatma Shakti within ourselves. And this invocation is possible, as Lalita Sahasranama puts it, Antarmukha Samaradhya Bahirmukha Sudurlabha. This Shakti can be comprehended, directly experienced by her grace only when we become Antarmukhi. Antarmukhi does not mean introvert. English translations are dangerous because it can confuse us. We have to know the Shastras through the language of the Shastra, for which we have to obviously become familiar with Sanskrit. We have to think in Sanskrit. That was the practice in those days. And while we use a language, it is a must that we have to think in that language. If I am thinking in English, I can speak in English. If I think in my mother tongue, Kannada language, and try to do circus, translate it there and then come out, I will be very slow. So it has to happen that way, because my thinking has to be in that language in which I want to express. So therefore, any language for that matter can be mastered if we have an entry deep into Sanskrit, because Samskrita is Jiva Bhasha, Samskrita is Deva Bhasha, Samskrita is Veda Bhasha. It is something, you know, it is very much within us. I will come to that in 2 minutes. I would like to express that. You know, every one of us have got this language within us. For example, when we breathe out, just observe. When you breathe out, make a sound. Hum, the word comes, the breath comes out, hum. And when you breathe in, it is sa. Hamsa, hamsa, hamsa. This is the name of the jiva. In the Yoga Shastra,
in the Yoga Upanishads. Hamsa is the name given to a jiva because this breathing itself is hamsa. It's like a bird, and it goes out and it comes in, it goes out and comes in. So Sanskrit language is never breathing. We are breathing Sanskrit language, but unfortunately we say we don't know language, Sanskrit. It's only we require a little focus on to our processes of speech to take us deeper into Sanskrit language. All the alphabets are within us. Right from the Muladhara to Sahasrara, all the letters are distributed. And Muladhara, there are four letters. In Swadhisthana, there are six letters. In Manipuraga, there are 10 letters. In Anahata, there are 12 letters. In Vishuddhi, there are 16 letters. So 48. Then two more in the Ajna, so 50. And 50 multiplied by 20, 1,000. In Sahasrara, all these are 20 times repeated. So this experience, of course, now it is to listen to it is a theory or it is a description, but it becomes our experience when we enter deeper and deeper into Dhyana Avastha. So that we have to, in order to have spiritual resource development, we have to pursue sadhana, guided sadhana, and all our evaluations can be validated, can become valid only when we go through experiences and then come out with our experience. And then the touchstone is Shastra and also a Vidwan who has got the Anubhuti. So Anubhava is the final evidence of knowledge with which we can testify the Shastra, and also we can get benefited by the Shastra. It is the need of the hour that we have to give more emphasis on spiritual resource development with the right understanding, right perception, and also all that is necessary to apply. It is not a part-time business in life. It's not that morning 10 to 12 I will be spiritual. It is 24 hours. And 24 hours we are breathing. And if we are breathing 24 hours, we are spiritual 24 hours. Only the focus has to be shifted. Right? From the material plane, if we shift our attention, everything becomes spiritual. I think I should thank you for the opportunity for sharing my thoughts in this context. And I would be happy to listen to the audience. And Ashutosh ji, over to you. Thank you so much. You have been speaking so brilliantly, so effectively, and so fluently that I am simply amazed. I am impressed, sir. और जिस तरह का आपने सारा वक्तव्य दिया है और बड़ी मजेदार आई मुझे, मतलब आनंद आया आपकी बात सुन करके. और ये इंटरप्रिटेशन जो देवात्म शक्तिम स्व गुण निगूढ़ ये मेरे ध्यान में नहीं था इस तरह से कि भाई आपने देव आत्मा और गुण इन तीनों को इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया है. दिस इज वंडरफुल. आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. कि हालांकि शंकर भाष्य को देखा मैंने लेकिन इस तरह से मैंने नहीं समझा था. इट्स वंडरफुल. तो हमारे साथ आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं. ये हमारा समय होता है चर्चा के लिए. सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले डॉक्टर रवि शर्मा जी, देन रविंद्र कुमार गुप्ता जी, एंड फॉलोड बाय डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी. सो आई विल रिक्वेस्ट देम. डॉक्टर रवि शर्मा जी नमस्कार. जी सर, कैन यू हियर मी? Yes, yes. Namaskara Swami, Nanu Ravi Sharma. Swalpa Kacha Bhavatu. Swalpa Kacha Bhavatu. 15 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ. ಈಗ USA. ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹುತ್ ಕೃಪಾ ಹುಯಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಎನ್ಲೈಟನಿಂಗ್. ಐ ಬ್ರೀಫ್ ಒನ್ ಐ ಕಾಟ್. ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟ್ ಬಟ್ just as Ashutosh ji has opened a question, para pashyanti madhyama, you said all that, but is there another interpretation of turiyam? Because you see turiyam being used in Rigveda at several places. Next year I'll be speaking in this forum and I'll be sharing my Vedic particle physics ideas,
in that the Turiyam has a specific meaning in the particle context. But I would like to learn that from you. And then another question for you is, the Atma and Deva, do you treat them differently than Jiva? How are the three interrelated? Atma, Deva, and Jiva. Namaskar. Let me answer that. Second question first. When you said Atma, Deva, and Jiva, actually, the expressions are Jivatma. Jivatma. Yes. So, Jiva and Atma, Jivatma, it is same actually. Jiva is actually Jivatma. And Atma is Jiva divided of all those identifications and bodies. The embodied being is actually Atma only. And the Atma is taken as Jiva because of the identifications. So you got it, Jivatma. And the counterpart of Jivatma is the cosmic Paramatma. So when you say Atma, a simple word Atma means the Chaitanya, Atma Chaitanya. Atma Satchidananda. And contextually, Deva is referred to the cosmic, the cause of the cosmos, Paramatma, is Deva. And Atma is a Jiva, the individual. So I said microcosm and macrocosm. With reference to the macrocosm, it is Deva, Paramatma. With reference to the microcosm, it is Jiva, Jivatma. It is the same. Okay. Now, coming to Turiya, the word, all Veda mantras, all Vedic words have got three levels of meanings: Adhyatma, Adibhuta, and Adideva. So in Adibhuta level, when you speak of particle physics, you have to see the context and the context-specific meanings which can be derived from a given mantra. It has got specifications. So when you go for Turiya as a meaning relevant to the context of modern science, if you want to seek a parallel, you have to be very careful in going to the root of the word. In Sanskrit, every word has got a dhatu, a root. The root can give n number of meanings along with the prefixes, which is called upasarga. Say, for example, hr is a root. Basic root is hr. Vihara means playing about. Ahara is hood. Samhara is killing. You know that upahara is breakfast. So it, like this, the meaning changes by the context and the prefixes, and the meaning has to be derived correctly. So Turiya definitely has got meaning related to, as you said, particle physics. But I cannot do it now at present because I don't have a given specific mantra for that. And mantra should permit me to derive a meaning according to the context, which is possible through going through the dhatupatha, that is the various dhatus that are available and the meanings that are permitted. Thank you. Thank you, sir. Okay. I'll reserve more for later. Yes, okay. Sir. Dr. Ravindra Kumar Gupta ji. Sir, thank you very much. I have no words to appreciate your speech. In fact, you have enriched us. So there is no question, only one query, that from where I can get your book. It is thank available on Amazon. Ashutoshji, please send me the exact name and I will send you the book. This is a book which is available. Sir, you please send me the name and full book. Then I will share. Thank you. Maybe with all of us. Ji, certainly I will share. इससे पहले कि मैं डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी को आमंत्रित करूँ, I have one question, very simple question, और बहुत लोअर लेवल का सवाल है कि इस आध्यात्मिकता, धार्मिकता और नैतिकता, इन तीनों को कैसे आप देखते हैं, कैसे रिलेट करती हैं? क्योंकि अक्सर ये एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है
व्यक्ति अध्यात्मिकता ही धार्मिकता है या कौन सा व्यक्ति अध्यात्मिक है कौन सा धार्मिक है और क्या धार्मिक व्यक्ति अध्यात्मिक कितना होगा नहीं होगा, ये कुछ एक बड़े बेसिक सा इशू है। क्योंकि जब हम बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ तो ऑडियंस का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर है, लेकिन जब हम आम कॉमन आदमी से बात करेंगे तो निश्चित रूप से उनको ये थोड़ा सा क्लियर करना होगा कि धार्मिक होना, अध्यात्मिक होना और नैतिक होना, जो कॉन्स्टिट्यूशनली आप नैतिक हो सकते हैं। अब वहां पे भी नैतिकता दो तरह की हो गई, एक तो आपकी जो संस्कृति पर आधारित नैतिकता और एक कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित नैतिकता है, क्योंकि उसमें से पाप तो खत्म ही हो गया, अपराध ही रह गया है। तो इन तीनों के संबंध पे आप, मैं चाहूंगा कि एक टिप्पणी जरूर करें। ये वैसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया है कि उसमें से पाप की अवधारणा ही खत्म हो गई, और जबकि उसके आधार पे बहुत कुछ समाज टिका हुआ था। बट एनीवे, चलिए वो फिर कभी हम चर्चा करेंगे। बट दीज थ्री वर्ड्स, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस बिलीफ एंड मोरलिटी। Should I reply to this query or? Yes, please. Yeah. And then so, followed by Dr. Arun Kumar Ji. Ji. I will be very brief in delineating these three. In fact, all these three, we can have a triangle, and adhyatmikata, dharmikata, and naitikata, all these are so closely interrelated, and again the context. Left to myself, it is adhyatmikata, left to myself. When I relate to the world outside, it is dharmikata. And only adhyatmikata and dharmikata can make sure of naitikata. So unless, that is why dharmo rakshati rakshitaha. It is not darshanam rakshati rakshita. It is not advaitam rakshati rakshita. It is dharmo rakshati rakshita. The dharma is the core. Ramo vigrahavan dharma. Dharma is the core, and adhyatmikata is possible only when dharma is adhered to. And naitikata is possible only when dharma is adhered to. So dharma is the crucial factor which will determine naitikata or not, or adhyatmikata or not. One cannot say, I am spiritual, but I am not dharmic. One cannot say, I am not naitik person, but I am spiritual. No, it is not possible. So, dharma, swadharma. For example, in Bhagavad Gita, you find swadharma, very, very deep core expression. Swadharme nidhanam shreyaha. And swadharma. Paradharma is the cause of fear. No, what is the cause of fear? Because I step into somebody else's domain, and paradharma, that can cause so many disturbances. So here, adhyatmikata, it is left to myself. It's left to myself. It is an individual core, adhyatmikata. It is myself with myself. That is my adhyatmikata. When I am behaving, when I am handling myself, it is adhyatmikata that has to come to fore. But when I am handling situations around, it is dharmikata which has to come. And when I deal specific issues, it is naitikata which has to come. Beautiful. Bahut sundar. Dhanyavaad. Dr. Arun Kumar Ji, and then followed by Dr. Deepika Ji from Vishuddhi Films. Dr. Arun Ji. Ji, sir. Professor Ramkrishna Sharma Ji is my seminar guru. 25 years ago. Let me come into this. 25 years ago, I attended first seminar in his presence. Then he called me to answer questions by Dr. Jayant Narlikar. And since then, we have met several times. Yes. I forgot to mention that he has given a very detailed note about you, your family background and all those achievements. So this is my fault. I forgot to mention this. It was so beautiful, wonderful. It was a pleasant surprise for me to know about you from his book. Well, despite being his student, I have not been fluent in Sanskrit so far. And I just understand the Sanskrit texts and about Sanstha, Adhyatma, Adibhut, Adidaya. I have written a book also.
I have explained in terms of cosmology that these are three world systems parallel to each other. That's all. And Atma has several meanings in several contexts. Like we have different identifications or introductions that I am an Indian, I am Bihari, I am an IPS officer, I am physics student or Sanskrit student. There are several introductions for any man. Similarly, as a part of world, we have several introductions. We are physical body, we are part of the lunar sphere, part of the solar system, part of galaxy. And in terms of activity also, so there are a total of 18 types of Atma indicated by 18 verses of Ishavasya Upanishad, on which there is a big book written by Pandit Motilal Shastri in 900 pages, 18 Atma as per Ishavasya Upanishad. About spirituality, in Tantra there is a different scale in which chakra our attention is located, or I can't express in English, starting from Muladhar, at what chakra we have risen so far. And this gradation by different criteria that I am seeing for the first time. And about Sanskar, meaning of words in different, they are called Sanskar, Adhyatma, Adhibhut, Adhidaya. So in Adhibhut also, there are sub-classification, geographical factors, historical or tradition, Nipat. So Sanskars are divided into three in Gita, into five in the three Upanishads. And at other places, Yasapta Sanskar, seven Sanskars also are indicated. So other Sanskars are parts of the Adhibhut only, in my view. Like there are different meanings for in physics, chemistry, math, same literary words. They have different meaning in different sciences. So they are also Sanskars. That's all. I cannot comment on the method of gradation. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Dr. Deepika Ji from Vishuddhi Films. Pranam, sir. I am so overwhelmed by your lecture today. I've been a student of physics, but then I diversified into doing other things also. But I have been following you. Like, you gave a lecture around 3 years back that was on the talk on research tools of the Vedic Rishis. That inspired me so much, and I've been following your address and wanted to contact you and all that. Somehow I didn't do it. In this lecture, see, you have given 1 to 16 scale. I don't know whether it is Dr. Ashutosh Angirasji or it's yours, that 1 to 16. So generally what we hear is 1 to 10 scales. So here it is 1 to 16 and scale of spirituality. So this looks very interesting, and I would like to know more about it, and how we can, if there are questions that we can follow and find out about our status, it would be fantastic. And if it can be made simpler also to understand these words, Sanskrit words and all that. So I think it would be very beneficial the way we now take a lot of psychology tests and other things to know our mental state. I think it would be nice to know all these also. So this is one thing. And the second thing, as I have understood about Jivatma and Paramatma in the Gita, so Jivatma, like Prakriti and Jivatma, and then beyond that is Paramatma. So then Jivatma are many, and the Supreme permeates all the Jivatmas. So I have not understood this little thing. It's from Sankhya, or it is in our way, Upanishads in Sankhya, or it is all in the Vedas and all also. So
like Anshin and Chi and what? How, I didn't get what you explained, sir. See, I will be very brief in mentioning about Sankhya. Actually, there is an expression called Sankhya Traya. Yeah. There are three Sankhya disciplines. One is Patanjala Sankhya, the other is Kapila Sankhya, and the third is Upanishad Sankhya. Kapila Sankhya focuses on Prakriti, Patanjala Sankhya focuses on the individual, and Upanishad Sankhya focuses on the total, Ishvara. Even though Patanjali mentions Ishvara, but he doesn't elaborate on. Yeah. Whereas Kapila deals with Prakriti, this is very simple. Kapila deals with Prakriti, focuses on Prakriti, and Patanjali focuses on the individual and how, what sadhana the individual has to pursue to reach the level from where he can comprehend the Ishvara. And Upanishad goes in deeper and in elaborate way what Ishvara is related. Jiva Jagat Ishvara, the relationship is beautifully delineated, elaborated deep in a deep way in the Upanishads. So Ishvara, how Ishvara, that is why, see, I remember in two Upanishads, you have got what is known as Dvasuparna Sayuja Sakaya. In Mundaka Upanishad, it comes one mantra, and same mantra is elsewhere in another Upanishad, one tree and two birds. Now, two birds are, one is Jiva Pakshi and the other is Ishvara Pakshi. Jiva Pakshi is eating the fruits of the tree and Ishvara Pakshi is watching, just watching. Yes. Anyaha Abhichakashiti. So we need more time to get deeper into this, because in every body there is Ishvara and there is Jiva. Like, you know, the Upanishad mantra giving the example of two birds in one tree, which is actually the tree is our body, and there is Ishvara, also is Jiva. And let us understand it in a simple way as that. We need to go deeper into it, but time does not permit to elaborate that. In fact, it'll take some other time to. Yes. Thank you. Thank you. Ma'am, isme ye jo 16 ka scale hai, ये एक्चुअली डेवलप तब हुआ, और आइडिया डेवलप नहीं किया, डेवलप तो हमारी ट्रेडिशन में ही है ये, क्योंकि 16 कला संपूर्ण जो आप सुनते हैं समझते हैं ये उसी को आधार बना करके किया गया, और इसका यूज सबसे पहले तब किया जब मैं इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था, और एक परफेक्ट पर्सनैलिटी को कैसे एवेल्युएट करना है उसको जब इस ढूंढ रहा था, तो ये एक सूत्र एक तरह का मेरे हाथ लगा, और फिर इसको हमने पर्सनैलिटी एनालिसिस टेस्ट जो डेवलप किए उसके लिए फिर इसको हमने यूज़ किया, और फिर ये अब यहाँ पे और भी कई जगह इसको यूज़ किया है, तो ये 16 का स्केल इसलिए यूज़ करते हैं। जो सोशल साइंटिस्ट 5 का स्केल, 10 का स्केल यूज़ करते हैं, 7 का स्केल यूज़ करते हैं, उसके पीछे मुझे कोई रैशनल नज़र नहीं आया, इसलिए वो फिर 16 में तो है ही है कि भाई आपकी 16 कला तो है, चाहे वो चंद्रमा की 16 कलाएं ले लें, चाहे आप वो पंच प्राण, पंच 10 इंद्रियां जो हैं उनको ले लीजिए, जैसे भी ठीक लगता है। सो दिस इज द आइडिया, और ये बड़ा बहुत लॉजिकल है 16 का स्केल, इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। जी डॉक्टर रवि जी ने दोबारा, जी जी डॉक्टर रवि जी कुछ कहना चाहते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई सवाल, कोई टिप्पणी अगर किसी के कोई है तो डॉक्टर साहब के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मेरा इससे छोटा सा सवाल, स्मॉल क्लेरिफिकेशन, आर यू लोकेटेड नाउ इन इंदौर और आर यू इन सूरतकल? तो that is the place to contact you. Yes. And we have something in your contacts to contact you. I at least have your email, if yes. Nothing else, under ISKCON. Correct? Isha. Ashutoshi. Isha. Oh, it is not ISCA? No. ISHA. My website, it is ISHAA. I see. Okay. Okay, I will add him in my group also, with your kind permission, sir.
Yeah, please. Sir, are you the same as International Science Community Association? And that is different. That is different. They had awarded me in 2019 Lifetime Achievement Award. That is what I had given there. Okay. I got it. So kindly share with me one little clarification on Dharma. Dharma is inherent property of whatever you are discussing, that whatever entity, and its life cycle. So as long as its life cycle is there, it will appear and then it will be free from its existence. Okay. हमारे साथ एक डॉक्टर कर्नल डॉक्टर सुभाष चंद्र जी जुड़े हैं सर, और सुभाष जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ. I am on mobile only because my internet is not working on computer. Okay. तो इनका last time हमने lecture रखा था antenna technology के ऊपर रखा था, और उसके माध्यम से कर्मों को आप कैसे जो है वो उनसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे उनको fizzle out कर सकते हैं. तो और वो वेलबींग के ऊपर ही उनका ज्यादा फोकस रहा है. तो जो एक्चुअली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल रिसोर्स डेवलपमेंट की, और वो जो एंटीना टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, तो उन दोनों का, आप दोनों का बहुत आपस का संबंध है. तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि आप दोनों का एक बार आपस में डायलॉग जरूर हो, और मैं आप दोनों को नंबर आप दोनों के शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग जो हैं इस विषय पे चर्चा कर सकें. सुभाष जी, आप कुछ बहुत संक्षिप्त सी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं जितना भी आपने सुना है? सी, आई केम इन वेरी लेट, बट हाउएवर व्हाटएवर आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम डॉक्टर रामाज सॉरी से रामकृष्ण जी डिस्कोर्स. Well, you see, that is basically we are dealing also with spiritual energy. After all, everything is energy in this universe at the subatomic level, because I do not wish to go into details of quantum physics. So therefore, even spiritual, everybody is basically born as a spiritual being. Later on, nobody remains spiritual being because of various reasons. There is some concept called as golden ratio. The moment the universe was created, that time every energy which was released was in the form of golden ratio, which moves up to infinity, a spiral, and the ratio is normally considered to be 1.618, also called as divine ratio, and also based on the divine sequence. Human being, when the human being came into existence, maybe if you go by logical whatever information is available, some people say that 2 billion years ago the human being came into existence, but that time the first human beings were all in golden ratio. Golden ratio means that DNA was in golden ratio. They were all spiritual beings. There is a different kinds of energies. I am sure all of you are well educated on this subject. The gross energy, the subtle energies, and extremely subtle energies. So all interlinked. A person, let us say a person who is standing on the 10th floor of the building, he can see the whole city. Whereas a person who is standing on the roadside ground, that is materialistic world, he can only see the road in front of him. But wherever the person who is standing on 10th floor, he can see the road also down below. A person who is spiritual in nature, the spirituality in our language will say, the person who has removed all his negativities from his DNA and removed from his body, and that too, he has become pure from the physical body is pure and healthy, his mind is pure and healthy, and his soul is pure and healthy. There are parameters to check all that with our antenna technology. Similarly, we have got, in order to check the spiritual quotient of a person, we have got various wavelengths. For example, even for SRDI, various parameters are indicated, like meditation, compassion, knowledge for self, stress management, and so on and so forth. We have got the wavelengths for all of them.
if you fix that antenna on that particular wavelength, we can check at what level this person is. See, normally what we see, people, a lot of people say, I'm a highly spiritual, but inside he's a different person altogether. So now we are not here to gauge somebody here, but at least we can check ourselves how much spiritual development has taken place. In our life. So we have got all the wavelengths for to check the SRD of a person. And whether he's spending his time on various parameters which we have got, for example, he does swadhyay, whether he reads certain texts, or Dr. Vasav was telling about dharma, whether he's following dharma principles or not. So all, and where is the kundalini? Finally, all that is, there is a parameter which is Kundalini Jagrat, which I'm sure many of us know about it. Now, at what stage the Kundalini is? Normally, people will say that, okay, it is lying in the... Doctor, ये थोड़ा सा ना देखिए इस सारे विषय को, क्योंकि इसका पार्ट टू पार्ट थ्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है. I agree और briefly closing it. So I am saying that the spiritual growth of a person has to be indicated by the awakening of a person. Spiritual awakening. The spiritual awakening, there is a gauge. What is that gauge? Gauge, of course, is final gauge is the golden ratio, but it could be less than that at a particular moment. So if there is a gap between that, how do we improve upon that? What area we have to handle so that we can come to the final ideal situation. So this is briefly I have touched. Thank you so much for interviewing. And I am not very knowledgeable about the Vedas and all those texts which you were referring to, because I have never read them. Okay. I'm looking at the energy level from the engineering point of view and finding solutions to that. Thank you so much. जी. डॉक्टर साहब, मैं जरूर चाहूंगा कि डॉक्टर कर्नल साहब के साथ आपका एक इंटरेक्शन जरूर हो, बिकॉज ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम इश्यूज. तो अगर कोई मिलकर के आपस में हम लोग बात कर सकते हैं और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इस इशू को कि एंटीना टेक्नोलॉजी और गोल्डन रेशो और इस वैदिक कॉन्सेप्ट को, स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए एक बड़े यूजफुल काम हो सकता है. सो आई विल शेयर हिज नंबर विद यू एंड योर नंबर विद हिम, ठीक है. एंड आई विल एड यू, आई विल बोथ, I will add you up in my WhatsApp group so that you can talk to him also and he can talk to you. जी, चलिए. और किसी का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं. मैडम इंदु जी सबसे लास्ट में, मुझे लगता है मैडम इंदु, और उसके बाद फिर हम आज की चर्चा को यहीं पे पूर्ण करेंगे. सभी को नमस्कार, प्रणाम. मतलब दो तरह की ज्ञान दिए, एक तो क्वांटम फिजिक्स और एक ना आध्यात्म, जो वैदिक चर्चा चल रही है, जो इन्होंने बताया चक्र के अंदर जो शब्द स्थापित, कौन से चक्र में कौन सा शब्द स्थापित रहता है. दोनों से ही कर्मा रिलीज हो रहे हैं और दोनों से ही कुछ न कुछ आत्मज्ञान प्राप्त होता है. लेकिन सबसे पावरफुल आत्मज्ञान किससे प्राप्त होता है, वैदिक पद्धति से या क्वांटम फिजिक्स से, ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ. और क्या पुस्तकों को पढ़े बिना यदि हम चक्र जागृत करते हैं तो क्या हमें आत्मज्ञान मिल जाता है, ये पूछना चाहती हूँ मैं. कहते हैं कि वो खाली साधना से आत्मज्ञान प्राप्त किया, कई लोग पुस्तकें भी नहीं पढ़ते लेकिन उनके ज्ञान को लोग मानते हैं, तो क्या ये कैसे संभव हो जाता है, ये मुझे जानना था. धन्यवाद सर. मैडम यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी फॉर दिस क्वेश्चन, आई कैन आंसर यू लेटर. सर मैं सच में आपसे बात करना चाहती थी इस मामले में, क्योंकि आपका जो क्वांटम फिजिक्स है उसका मुझे जो माइंड को से या चक्र से या सोल से कैसे कर्मा रिलीज होते हैं वो मुझे देखना था, है ना. और वैसे जनरली वेद के हिसाब से हैं तो हमारे आचरण में तो जुड़ा ही रहता है थोड़ा बहुत, तो क्योंकि वो हमारी परंपरा है और संस्कृति है. और जो अभी इतनी चर्चा हुई तो उसमें मुझे ये समझ में आया
कि धर्म को नैतिकता के आधार पर ही अपने को पालन करना चाहिए, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, ना किसी को आहत करो ना खुद आहत हो, जो अब तक समझ में आया है। लेकिन सर ये पूछना चाहते, बिना पुस्तक पढ़े अगर हम चक्र जागृत करते हैं किसी भी माध्यम से, तो क्या हमें आध्यात्म का ज्ञान मिल जाता है, मतलब स्पिरिचुअल पावर? कई लोग अनपढ़ लोगों को देखा है मैंने, वो अक्सर ज्ञान नहीं करते, लेकिन मैडम वो गलत चीज है, पर अभी ज्यादा लंबा बात नहीं कर सकते उस सब्जेक्ट पे। जी सर प्लीज गो अहेड। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज गो अहेड। या नो टू दिस क्वेश्चन ऑफ इंदुजी आई वुड लाइक टू briefly put it like this, guru, shastra, yukti, sadhana, all these have got places. So whether it is possible to get the jnanam without shastra, that question, whether it is through quantum physics or whether it is through Vedic knowledge, so using book as a source of knowledge, I would say it will be wrong, because book is an external object, whereas knowledge always comes from within. Whether somebody writes a book or doesn't write a book, knowledge is always from within. So therefore, sadhana is the means for getting prepared to get exposed to the divine knowledge which is already there within the divine. Tatra niratishayam sarvajna bijam. All knowledge potential is within Ishvara only. And to the extent we are eligible, Ishvara reveals the knowledge, for which you don't require a book for that. So book is not the basis of knowledge. In fact, book, because we have to depend upon a text, because there is a need for dependency, we go for a book. Otherwise, Shastra is always through listening, Sravana. Shastra Sravana. It is not reading. So listening to the live communication through Guru Vaktre Stitam Brahma. The ultimate is in the Vaktra, in the mouth of Guru, in the word. So that is our parampara, our tradition is, it is Mukha and Sravana. It comes from the mouth and we listen to. So Shastra Sravana is first step. Then Manana is next step. What I have in my mind, my questions, my answers, my fight with the topic, my fight with the idea, all this is Manana. And when all the questions are answered, when I don't have any more lack of clarity, then it is possible that I enter into Dhyana. So Dhyana is a means to reach dhyanavastita tadgatena manasa pashyanti. Whatever is realized, it is through dhyana. The rishis got the revelations through dhyana. So it is all stage by stage. To what extent, to which level? That is why one of the shastras mentioned granthan naiva abhyaset bahun. Don't read many books. Naiva abhyaset. One of the scriptures, to put it that way, one of the independent treatises written by one of the acharyas, they mentioned that don't go through many books because it can confuse you. And in the case of a book, I tell you, the idea of the author can also creep in. So who is to have the touchstone to test whether it is the author's opinion or whether it is the truth? They know this can happen, but Guru can help in this context. डॉक्टर साहब ये सुन करके मुझे मैडम इंदु जी एक श्लोक ध्यान आ गया। सामान्य रूप से मैं चीजों को नहीं उद्धृत करता, लेकिन एक श्लोक है उसके कथा मुख में ही, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर बहवश्च विघ्ना सारम ततो ग्राह्य मपास्य फल्गु क्षीरम हंसै क्षीरम एवाम्बु मध्यात्। कि जैसे हंस जो है वो दूध पानी में से निकाल लेता है, वैसे ही जो है वो सार को जो है वो आप ग्रहण करें। शास्त्र तो अनंत है, बहुत व्यापक है, लेकिन ये भी नहीं है कि शास्त्र में नास्था हो जाए कि वो जो है ना अनपढ़ वाला काम नहीं हमने करना है, कि वो साधु संत परंपरा एक चली थी कि भाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं, और उनको पढ़ पढ़ के आजकल जो है वो उसी के ऊपर सारा जो है पढ़ना लिखना फोकस। I would like to interrupt just for a second. There is a great difference between being uncultured and being illiterate. Yes.
illiterate is different from culture. A culture can be illiterate. So there can be literate, uncultured person. So what we are doing is... I do agree with you. Thank you. चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पूर्ण करते हैं, यहीं विश्राम देते हैं. और डॉक्टर साहब का अपनी ओर से, आप सभी की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि किस तरह से उन्होंने शास्त्र परंपरा को अग्रसर किया है, अपने में धारण किया है. और जितना मैं देख पा रहा था उनकी वेबसाइट से और जिस तरह के वो प्रयोग कर रहे हैं, शास्त्रीय प्रयोग, तो वो निश्चित रूप से बड़ा श्रम साध्य है. तपस्या उसमें निश्चित रूप से बहुत गहन है. तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनकी विद्वत्ता को और उनके भीतर जो चेतना अवतरित हुई है वो मेरे लिए श्रद्धा के योग्य है. तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, हम सभी के साथ इन विषयों के ऊपर चर्चा करते रहें. और वस्तुतः ये वेबिनार जो है वो अपना संस्कार करने की प्रक्रिया है. हम लोग जितना जानते हैं उसका संस्कार हो, उसका विस्तार हो, उसको उसमें सूक्ष्मता भी आए, उसमें व्यापकता भी आए, इसीलिए ये होते हैं. और जितने हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी मुझे लगता है उतने ही हम अध्यात्म के क्षेत्र में अग्रसर होते हैं. तो यही इन वेबिनार्स का प्रयोजन है. और ऐसा कुछ नहीं है कि हमने यहाँ कुछ सिद्ध कर देना है या हम कुछ दुनिया को बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. केवल अपना विस्तार करना है, हमारी दृष्टि व्यापक हो, हमें देखना आए, समझना आए. और इसीलिए हम विद्वानों को यहाँ आमंत्रित करते हैं. और आप लोगों की जिज्ञासाएं, आप लोगों के प्रश्न, आप लोगों की टिप्पणियां उसको और अधिक एक अर्थ प्रदान करती हैं, उसके भीतर जाने का वो रास्ता निकालती हैं. तो उसके लिए आप सभी श्रोता लोग, प्रतिभागी लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, आभार के पात्र हैं. तो इसी के साथ आज की हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, यहीं पूर्ण करते हैं. और नेक्स्ट वीक में जल्दी मिलते हैं. बहुत सारे विषय हमारे पास उपलब्ध हैं अभी, जिसमें बैरागी कल्चर के ऊपर, बैरागी सेक्ट के ऊपर, क्योंकि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत रही हैं. और उसके अतिरिक्त हमारे पास एक जो विषय लेने वाला है बॉटनी के ऊपर और कॉन्शियसनेस के ऊपर, वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम उसके ऊपर कर पाएंगे नेक्स्ट वीक में. डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, ही विल बी टॉकिंग ऑन द आयुर्वेदिक बॉटनी एंड देन फॉलोड बाय इश्यूज ऑन द कॉन्शियसनेस. तो इस तरह से कई सारे विषय हैं. तो आप जुड़ते रहें. और इन्हीं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. फिर मिलते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. अब आप मीटिंग छोड़ सकते हैं. और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा.